देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा व्यवसायी संघ द्वारा आयोजित हुआ शोक सभा, पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सभा में उपस्थित लोगों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, सरकार से इस हमले पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही संघ ने 2 घंटे बाजारों को बंद रखने का भी ऐलान किया। सैकड़ों शहर वासियों ने हमले में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायी संघ द्वारा और पूर्णिया के नगरवासियों द्वारा कल जो श्रीनगर में पुलवामा के पास रोड पर जो हमारे जवानों को CRPF के जवानों को निर्नंद रूप से उसके बस में आत्मघाती हमला किया गया है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं, इस बात को लेकर सारा भारत व्यथित है और पूर्णियावासी भी इस बात से व्यथित है कि ऐसे काराना हरकत कहां से हुआ। और हमें ये पता चला है कि इसमें पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आया हुआ कश्मीर का ही उसी गांव का रहने वाला आतंकवादी गाड़ी लेकर बस में घुस गया, जिसमें RDX भरा हुआ था। इस कायराना हरकत के लिए हम सभी काफ़ी जोश में हैं, काफ़ी रोष में हैं और गर्व हमको है कि हमारे सेनाओं ने बलिदान दिया है, लेकिन हम अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान की हरकत कम नहीं हो रही है। अब तक हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी पूर्णतः जांच हो कि कहां पर हमारे तरफ से सुरक्षा में चूक हुई है। और इसके अलावा हम ये भी मांग करते हैं कि भारत का संसद सेना के सभी विंगों को हाथ खुला कर दे कि वो किसी दबाव में आकर या राजनीति दबाव में आकर अपना हथियार बंद ना रखें। अगर कोई उनके साथ कोई अपराधी कृत्य करता है या उन पर चढ़ाई करता है, उनको धावा बोलता है, तो सबको सामने से ही गोली मार दें और गोली मारने की खुली छूट मिलना चाहिए सेना को। और हम सेना के जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति समूचा पूर्णियावासी समूचे भारतवर्ष के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है और उनके लिए हम हर तरह से उनको चाहते हैं कि उनकी भलाई हो, उनका भरपाई किया जाए। हम उनके जवान को लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उनको संवेदना जरूर दे सकते हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ उनको श्रद्धांजलि दिया है। 2 घंटे का पूर्णिया बंद रहा है और इस बंद में हमारे यहाँ के जो व्यवसायी हैं स्वतः बंद किए हैं, कोई उनको कहने नहीं गया है और अपने स्वतः स्फूर्त बंद करके ये दिखा दिया है कि हम भारत को विपद के समय में साथ में रख के चलना चाहते हैं, हमारे अंदर कोई विरोध नहीं है। धन्यवाद।